हाय एवरीवन, आज हम लोग फिर से आ गए दूसरा एक वीडियो लेके। ठीक है, आज बनाएंगे पकोड़े की सब्ज़ी। तो पकोड़े की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को पकोड़ा बनाना चाहिए। तो उसमें क्या क्या चाहिए हम लोग अभी दिखा देते। ठीक है, तो पकोड़े लेके सबसे पहले देखो, ये दाल जो है पीस के हम लोग रखे हैं, ये प्याज है, अदरक लहसुन है, और ये सामने जो मसाला दिख रहा है इससे पकौड़ा बन जाएगा, और तेल भी सामने इधर रखा है। ठीक है, और दूसरा ये जो मसाला दाल बोलते हैं, दूसरा दाल है वो, उससे हम लोग दूसरा अलग से दाल बना पकाएंगे, और इसके बाद वो पकौड़ा बनने के बाद इसको हम लोग दाल पे डाल के सब्ज़ी बना के दिखाएंगे आप लोग को। अभी हम लोग ये मिक्स करने जा रहे हैं। ठीक है, ये मसूर का जो दाल है इसके रखे थे, उसमें थोड़ा थोड़ा मसाला डाल रहा है, डाल के इसको पहले मिक्स करके पकौड़े के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी सबसे पहले कढ़ाई बैठाना है। ठीक है, बैठा दिया तो गर्म हो गया, थोड़ा सा तेल डाल रहा है। ठीक है, रिफाइंड जो है उसको डाल दिया, अभी उसको गर्म होने दो। ठीक है, अभी तोल दी कढ़ाई पे, देखो तेल भी डाल दिया, पकौड़े भी बनना शुरू हो गया। अभी थोड़ा देर बाद जब नीचे लाल हो जाए उसको पलटी करके, फिर दोबारा उसको देखो, ये नीचे से पूरा बिल्कुल बन गया है, उसको पलटी कर रहा है। पूरे आराम से इसको, नहीं तो वो टूट जाएगा। ठीक है, आराम आराम से इसको पलटी मार के नीचे का भी ऊपर कर देना। बहुत बढ़िया सर, देखो ये नीचे से पूरा बिल्कुल बन गया है, उसको पलटी कर रहा है। पूरे आराम से इसको, नहीं तो वो टूट जाएगा। ठीक है, आराम आराम से इसको पलटी मार के नीचे का भी ऊपर कर देना। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल बन के तैयार है। अभी हम इसको नीचे उतारेंगे, देखो पूरा लाल हो गया, बन गया वो। थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ा अदरक लहसुन डाल दिया, प्याज भी डाल दिया। अब थोड़ा हल्दी डालेंगे, थोड़ा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा डाला क्योंकि पकौड़े में दिया ना, इसलिए ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मीट मसाला, उसको भूनेंगे अभी पूरा पूरा पीला पीला हो जाए, पूरा भुनना है। जल्दी बन जाएगा, अभी पहले से हम लोग रेडी करके रखे हैं, पीस के रखे हैं दाल। हाँ, अभी वो दाल डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे अच्छे से। काला काला आ जाएगा क्योंकि दाल वो बनने के बाद थोड़ा काला सा आ जाएगा, वो अलग सा दाल है।
अभी हम लोग पानी डालेंगे, उबला हुआ पानी, पानी पहले से गर्म करके रखे थे। पानी उतना ही डालिए जितना आप लोग को चाहिए उतना ही डालिए। पूरा चम्मच से हिला के उसको पूरा मिला देना पानी के साथ। अभी वो रेडी हो गया, पकौड़ा डालेंगे अभी इसमें। एक एक करके और चम्मच से हिलाने का टाइम में धीरे धीरे हिलाने का, नहीं तो वो टूट जाएगा। आराम से थोड़ा थोड़ा करके अभी उबाल आ गया, देखो ये बिल्कुल रेडी हो गया। अभी अभी थोड़ी ही देर में हम लोग इसको उतारेंगे, फटाफट हो गया। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करना यार, बहुत मुश्किल से हम लोग वीडियो को बनाते हैं और बहुत टाइम भी लग जाता है। तो आप लोग वीडियो देखते हैं तो थोड़ा देख के उसको छोड़ देते हैं।